असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी जित हो जाए। आओ आओ सावरिया बेटा आओ। अंशु रूपा कराची पूजा। जय श्री श्याम। दोस्तों आज है 14 तारीख और सोमवार का दिन है। 6:30-7 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। 2 घंटे का रास्ता है। हमें जाना है दिल्ली से 80-85 किलोमीटर दूर समालखां चुनकाना धाम। तो मिलते हैं दोस्तों रास्ते में। जय श्री श्याम। फ्रेंड हमारा फर्स्ट जो हॉल्ट है वो है अमरीक सुखदेव। यहाँ पर बेटे ने जिद करी कि मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो टर्किश वेंडर पे आ गए हैं और देखते हैं स्वास्तिक आइसक्रीम पकड़ पाता है या नहीं। अभी रुक जा, इधर आ जा। क्या लड़का है यार। तो भाइयों और बहनों आज मैं आपको लेके आया हूँ गांव के मेले में। फागुन मास में ये मेला लगता है चुलकाना धाम में। दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए और मेला देखने के लिए। मेला अब आम नहीं रहा, शहरों में तो मेले के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए इस लुप्त होते हुए मेले को दिखाने मैं आज आपको यहाँ लेके आया हूँ। आइए देखते हैं फिर। मेला शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा जिला रोहतक जो मंदिर श्याम बाबा का मंदिर है, चुनकोट ऋषि ने यानी लखीसर बाबा ने इसकी नींव रखी, उसकी देख रेख में बना ये मंदिर। सतयुग से है। अच्छा। ये ऐसा योद्धा था, 3 बाण थे इसके पास। एक बाण ऐसा था जो मृत्यु चिन्ह बना सकता था और एक दूसरा बाण ऐसा था जो मृत्यु कर सकता था और तीसरा बाण ऐसा था जो सृष्टि को विनाश कर सकता था, तबाह कर सकता था। शाम के बगैर जिंदगी अधूरी है और इसका मात्र एक नाम कलयुग में इस धाम पर जो भी आता है मेरा वचन है बाबा का भी आशीर्वाद है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। बोल जय श्री श्याम। चुलकाना धाम में आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आओ आओ सावरिया बेका आओ, जी मौजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया कर रे मनुहार जी। आओ आओ सावरिया बेका आओ, जी मौजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टावरिया कर रे मनुहार जी। सावरिया मिष्ठान भंडार जय श्री श्याम। चुलकाना धाम में सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री श्याम। फ्रेंड्स कल रात को हमें काफी ज्यादा देर हो गई थी, तकरीबन 2:30 बज गए थे और हमें यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही थी मंदिर के आसपास। यहाँ पे लखतादार धर्मशाला जो कि एक ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही है, हम लेट हो गए थे। 2:30 बजे भी उन्होंने हमारे दरवाजा खोला और हमें अरेंजमेंट करके दिया। पूरी की पूरी सेवार्थ धर्मशाला है। कभी आप यहाँ पर आए चुलकाना धाम में तो आप यहाँ पर आके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, और क्योंकि ये धर्मशाला है तो धर्मशाला के हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगणिये की मस्ती में नाचांगा गावांगा, होरी 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 खेलन बाबा श्याम थारे खाटू आवांगा।
फोटो फ्रेम्स की शॉप मिली हमें, बच्चों के लिए टी शर्ट बनवा रहे हैं। निकाल लिए भैया। हाँ जी, आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो ये प्रांजल की है टी शर्ट, उसके लिए ले रहे हैं। ये भैया इसको लगा लो आप अपने पास जरा। तो ये गया हमारा प्रोडक्ट अंदर फोटो के साथ। अब ये 70 सेकंड में आपकी टी शर्ट तैयार करके दे देगी। आपका नाम क्या है? रोहित चाकराम जी। अच्छा रोहित, आपका ही नाम है। किस जगह है? पानीपत में। पानीपत बिशन स्वरूप कॉलोनी बस स्टैंड के सामने। होम डिलीवरी फ्री है सर। अच्छा, मतलब ऑनलाइन भी करवा सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर तो मेरे पास आ गया, मैं डाल दूंगा। चलिए, यहाँ पे अलार्म बज चुका है और फोटो वेरी नाइस। अब आप देख सकते हैं फोटो कितनी प्यारी, क्या क्लासिक छपकर आई है, मजा आ गया। ये जो पेपर होता भैया, नॉर्मल पेपर होता है कुछ अलग? सब्लिमेशन पेपर होता है, इसके लिए अलग से इंक लेनी पड़ती है, अलग से प्रिंटर आता है। अच्छा, ये है फोटो फ्रेम जिसके अंदर लाइट जलती है, पीछे की तरफ इसके सेल्फ भी डलता है और चार्जर जो होता है आपका कंटिन्यूस चलेगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं चलाना है बंद कर दो, बंद करके आपका शीशे का काम करेगा। 150 रुपए का मग है, इसमें आपको 3 फोटो लगेंगी, जैसे कि एक ये फोटो लगी हुई है, कोई भी कोड डाल सकते हैं और साथ में एक आधी फोटो और लगा सकते हैं। और एक मोबाइल स्टैंड है और इस पे आप अपनी फोटो छपवा सकते हैं और मोबाइल इसके ऊपर रख सकते हैं। 150 रुपए का ये मोबाइल स्टैंड भी है। वैरायटी काफी सारी है यहाँ पे। टी शर्ट है, टी शर्ट पे आप अगर फोटो लगवाते हैं सिंगल साइड तो 200 रुपए की पड़ती है, और अगर बैक साइड में भी लगाएंगे दोनों साइड तो आपको 250 की पड़ेगी। सर ये रिमोट पिल्लो है, इसके अंदर मल्टी कलर कलर है लाइट के, और ये रिमोट से सारा कंट्रोल होता है। मेरी जो टी शर्ट है वो तैयार हो गई है, शोना मुंडा ब्लॉग्स, इसमें मैंने दोनों साइड करवाया है और 250 रुपीस का मेरे को ये पड़ा है, और मैं इसको फटाफट से ब्रांडिंग को पहन ही लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। चलिए, नाम जसमेर सिंह। जसमेर सिंह, और भाई साहब का? विनोद कुमार। विनोद कुमार, तो आप यहाँ पे कब से कर रहे हैं काम? हमें 3 दिन हो गए जी, आप ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी दे रहे हैं आप? ड्यूटी दे रहे हैं जी, और यहाँ पर 3-4 बार आग लग चुकी है जी। अच्छा, अभी ये मान नहीं रहे हैं, फिर भी आगे से बस जोत लगाना बंद कर दो, ठंडी जोत रहा हो यहाँ पर। दो जो यहाँ के समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो हमारे साथ हैं समिति के सदस्य, तो हम पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी यहाँ पे क्या सेवा है, आप क्या सेवा दे रहे हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार है। हाँ जी, मैं यहाँ हमारी जो समिति है मैं उसका मेंबर हूँ। मेले की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पूरे गांव को 4 जोन में बैठा हुआ है, भाई यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उनके लिए पार्किंग का इंतजाम किया है। हमारे जो कार सेवक हैं ये व्हील चेयर रखी हुई हैं, जो भी यात्रीगण इस तरह का आता है हम उसको तत्काल ये सुविधा देते हैं और उनको दर्शन कराते हैं। अच्छा, और ठहरने की हमने व्यवस्था कर रखी है, एक बहुत बड़ा पंडाल है, लगभग 1,00,000 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। हाँ जी, हमारी धर्मशाला है, कमरे बने हुए हैं उधर, और जो लोग आए हुए हैं उनके लिए टूट भंडारे का 5 दिन से हमने यहाँ समिति की तरफ से भंडारा लगाया हुआ है। अच्छा दोस्तों, लोग यहाँ एकादशी और द्वादशी पर कितना दान कर रहे हैं, अनाज प्रसाद, बोतल में लस्सी, दूध और वस्त्र वगैरह। देखिए दोस्तों, यहाँ कितना सारा सामान जमा हो गया है कि सेवादार भी उसी सामान के ऊपर बैठ गए हैं और अभी भी सामान आता जा रहा है। टोकरी में सजा के रखा है एक बड़े कान्हा जी, और पीछे कौन है? एक छोटे कान्हा जी। उनकी एक आंख दिख रही है। गणपति। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कब से आए आप यहाँ पे? बहुत दिनों से आ रहे हैं, 30-35 साल से आ रहे हैं। 30-35 साल से आ रहे हैं लगातार? लगातार आ रही है। तो ये जो आप ये टोकरी में लेकर आए हैं कान्हा जी को, इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है, अभी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को की पूजा होती है। अच्छा, और ये श्री कृष्ण भगवान ही है, ये छोटा रूप है, ये मैंने वृंदावन से ला रखा है। तो यहाँ लेकर आते हैं आप इन्हें? अब मैं 2 साल से लिया, मैंने अब 2 साल से मैं लेके आती हूँ इसको। अच्छा, आपके साथ? देखिए दोस्तों, बाप रे बाप, कितना बड़ा हुक्का है। इसकी जो नली है करीबन 4 फुट की तो होगी और 3.5 फुट का ये हुक्का है। इतना बड़ा हुक्का मैं पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं लखीसर धाम, चुनकर ऋषि जी का आश्रम। इसका ब्लॉग मैंने पहले बनाया हुआ है, ये ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। दोस्तों मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ चुनकर ऋषि जी के चरण धोने का। तो हमारे साथ हैं दो अंकल जो कि यहाँ के मंदिर के पुराने सदस्य भी रहे हैं। डुप्लीकेट। और आपका अंकल जी? सतीश जी।
शुभम से, रमेश जी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ मेले में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये सारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं और सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे। टैटू भी बन रहा है, कितने कितने के भैया? ये 104। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये अगरबत्ती रखने का जी, ये 20 रुपए का जी। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार, कितने का दे रहे हो भैया? 30। 250। दोस्तों यहाँ पे हमने 3:30 बजे के आसपास दंगल की आवाज़ सुनी और मैंने दंगल रिकॉर्ड किया। काफ़ी अच्छा था दंगल में, बहुत मज़ा आया। आप भी मज़ा लीजिए। भाई मैं सभी पहलवानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जितने भी पहलवान उन्होंने कुश्ती लड़ी है, ये 31,000 रुपए की कुश्ती हुई है, सभी का आदर सम्मान होगा। बड़े हीरो मंच इस दंगल आयोजन, दूर दराज से आए दर्शकगण, भगतगण, पहलवान, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस दंगल को मैनेज किया, संभाले रखा, कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दी इसमें। फ्रेंड्स अभी जो कुश्ती लड़ी जा रही है वो लड़ी जा रही है मेहर सिंह और मोहित पहलवान के बीच में। दोनों के दोनों बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। 31,000 रुपये की धनराशि के लिए कुश्ती अभी लड़ी जा रही है। यहाँ बहुत ही चतुराई और फुर्ती के साथ मेहर सिंह ने मोहित को पटक दिया और चित कर दिया। Friends, he is the winner in the last match and he is getting the money prize. देखिए दोस्तों यहाँ पे कुश्ती का फीवर कितना है, लोग तो है ही हैं यहाँ पे, हमारे साथ डिपार्टमेंट से भी है। किसी जान बचाने कोई मतलब नहीं, मोनू पहलवान दिल्ली। और देखिए मोनू और वीरू के बीच में हो रही है। मोनू पहलवान दिल्ली, दूसरी तरफ वीरू खेड़ी गुजर। और देखिए मोनू पहलवान दिल्ली चार पहले जरूर करूंगा। और देखिए के बड़े भाई, हेलो,
खेली गुजर की बात हो, ऑल इंडिया पुलिस ने गोल्ड मेडल जीत न्यू मैन ऑफ खेली गुजर, और दूसरी तरफ उसी ने जिसका गोल्ड मेडल बाबा पहलवान पुराना जी का सुपुत्र बाबू पहलवान पुराना जिन्होंने दूसरे पट्टी जैसे खिलाड़ी के साथ कुश्ती लड़ी, बड़े बड़े पहलवानों को जीत करने का काम किया, उस पहलवान का नाम है बाबू पुराना। बिल्कुल सभी गांव की सोलह के साथ है ऐसे खिलाड़ी, ये वो खिलाड़ी है जो दो बार की कुश्ती लड़ता है बाबू पुराना। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी जित हो जाए। हर खेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं यहाँ पे विनर जो इस रेसलिंग के सेकंड नंबर की इनकी रेसलिंग थी, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आपको भी पैसा। चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं मेहर सिंह पहलवान गड्डी सापला जिला रोहतक, कैप्टन गुरु रामकरण अखाड़े में रोहतक में प्रैक्टिस करता हूँ भाई साहब। अच्छा, रोहतक से हैं आप वैसे बेसिकली। अच्छा जी, अभी चार दिन पहले मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल भी आया है। अरे वाह, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो अच्छा, तो आपने किसको हराया अभी यहाँ पे? मैंने अभी यहाँ पे मोहित पलवल को हराया है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका जो फाइट था वो कितनी देर का हुआ? वो लगभग 12-13 मिनट हुई थी। अच्छा, 12-13 मिनट। हाँ जी। तो आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 8-9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, 8-9 साल के। और अभी आप करंटली कितने साल के हैं? अभी मैं 23 साल का हूँ। नहीं, मैंने चित किया भाई पाल। अच्छा, चित ही कर दिया। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 फाइटें एक साथ हो रही थी तो पता नहीं चला कि कौन सा किसका था। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है और आगे भी इनका उज्जवल भविष्य रहे, यही हमारे टीम की कामना है। सोना मुंडा ब्लॉग्स पूरी टीम आपका स्वागत करती है और आपको आगे धन्यवाद करती है। कैसा लगा देख के? बढ़िया लग गया भाई, आकाश बहुत अच्छा लगा। नाम बता दीजिए अपना। मैं तो मोहित हूँ भाई, क्यों लगता है ये भाई चलगाने का? आकाश चलगाना जी भाई, भाई का चैनल है सोना मुंडा व्लॉग्स, लाइक सब्सक्राइब करियो ना, ठीक है भाई। दोस्तों, वो मिले ही क्या जिसमें झूले ना हो, तो चलो फटाफट से चलते हैं झूले में राइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्वास्तिक और मैं, हम दो जने जाने वाले हैं कहाँ पे? मैरी गो राउंड। तो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग ऑन द मैरी गो राउंड, वेटिंग फॉर आवर टर्न। इधर देखो सिद्धू, इधर देखो, आए बोलो, कर पाओगे? कर सकते हो? डर तो नहीं लगेगा पक्का? हेलो गाइस, हमें अभी डर लग रहा है। चिल्लाते रहो तो आता मजा। अबे हम उड़ गए हवा में। अबे भाई, अरे अरे। दोस्तों, फागुन महोत्सव 2022 चुलकाना धाम से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उमेश बिष्ट अब आपसे विदा लेता हूँ। सायोनारा।